हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय ट्यूब चैनल जोग्रफिकल है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिमोट सेंसिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में हम लोगों ने पहले रिमोट सेंसिंग का प्रोसेस एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ रिमोट सेंसिंग यह सब डिटेल में डिस्कस किया हुआ है आज हम लोग ये देखेंगे कि रिमोट सेंसिंग प्लेटफॉर्म्स का क्या कॉन्सेप्ट है और कितने टाइप का प्लेटफॉर्म्स होते हैं इनको डिटेल में अगर आपको इस पूरे कॉन्टेंट का पी चाहिए तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करिएगा जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया रखा है वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा शेयर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा सो इट स्टार्ट द वीडियो सो सबसे पहले ये है देखते हैं कि प्लेटफॉर्म क्या होता है सो प्लेटफॉर्म इज अ स्टेज प्लेटफॉर्म वर्ड आपने पहले भी सुना होगा ठीक है स्टेशन का प्लेटफॉर्म ठीक या किसी टैलेंट के लिए प्लेटफॉर्म दिया जाता है स्टेज दिया जाता है ठीक है तो प्लेटफॉर्म का मतलब होता है एक ऐसा स्टेज ठीक है रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म क्या होता है ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर गाड़ी खड़ी होती है कि ट्रेन खड़ी होती है अगर सो प्लेटफॉर्म बेसिकली मतलब भी यहाँ भी उसी का है प्लेटफॉर्म एक ऐसा स्टेज होता है जहाँ पर हम लोग सेंसर या कैमरा उसको लगाते हैं उसको माउंट करते हैं ताकि वो सेंसर या कैमरा जिस एरिया के बारे में स्टडी कर रहे हैं उसके बारे में इंफॉमेसन एक्वायर कर सके सेंसिंग प्रोसेस में हम लोग बेसिकली सेंसर्स और कैमरा इन सब का कर यूज़ करते हैं ठीक सो सेंसर को अगर हमें किसी मतलब ऊपर से सेंसिंग का मतलब क्या होता है रिमोट सेंसिंग का मतलब हम लोग एक बिना उसी कॉन्टैक्ट में बिना किसी ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में आए हुए उसके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब हम लोग किसी एक हाइट से ऊपर से कहीं से ना कहीं ऊपर से ही कलेक्ट कर रहे होंगे तो ऊपर से कलेक्ट करने के लिए इन्फॉर्मेशन हमको वो जो सेंसर होगा उसको कहीं ना कहीं तो सेट करना पड़ेगा सो so, सेंसर को सेट करने के लिए जग जो जगह यूज़ होती है उसको हम लोग प्लेटफॉर्म बोलते हैं सो प्लेटफॉर्म की एक और डेफिनेशन है कि अ प्लेटफॉर्म इज़ अ व्हीकल फ्रॉम विच सेंसर कैन बी ऑपरेटेड ठीक है फॉर रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंसर शुड बी माउंटेड ऑन अ सुटेबल स्टेबल प्लेटफॉर्म मतलब जो जो प्लेटफॉर्म होना चाहिए वो एकदम फर्म और स्टेबल होना चाहिए नहीं कि वो हिल डुल रहा है तो जिसकी वजह से जो सेंसर है उसकी उसमें भी ऑल्ट्रेशन हो रही तो एरर्स आने लगेंगी सो बेसिकली सेंसर क्या है एक ऐसा प्लेटफॉर्म एक ऐसा व्हीकल या एक ऐसा पॉइंट जहाँ से हम लोग अपना सेंसर या कैमरा को माउंट करते हैं टू एक्वायर इन्फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ सरफेस जैसे जैसे प्लेटफॉर्म की हाइट इंक्रीज़ होती है वैसे वैसे एरिया जो कवर करते हैं या जो सिनॉप्टिक व्यू है वो बढ़ता है ठीक है अगर सेंसर थोड़ा ऊंचे पर लगा होगा तो ज़्यादा एरिया कवर करेगा नीचे पर लगा होगा तो कम एरिया कवर करेगा प्लेटफॉर्म की कैरेक्टरिस्टिक और क्या टाइप होगा वो डिपेंड करता है कि कैसी इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें कैसा सेंसर यूज़ कर रहे हैं ठीक है थीके? और मतलब सेंसर एक छोटे से लैडर एक सीढ़ी से लेकर के सेटेलाइट तक हो सकते हैं मतलब एक या तो हाथ से भी हम लोग पकड़ सकते हैं कोई भी सेंसर और ऐसा सेंसर भी लगा सकते हैं ऐसा प्लेटफॉर्म भी यूज कर सकते हैं जो कि सैटेलाइट है मतलब बहुत दूर है अर्थ से सो so, प्लेटफॉर्म को हम लोग तीन ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं पहला है ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म सेकंड इज एयर बॉन्ड या एयर बेस्ड प्लेटफॉर्म्स एंड थर्ड इज स्पेस बॉन्ड या स्पेस बेस्ड प्लेटफॉर्म इनको एक एक करके देखते हैं सो so, पहला है ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म्स सो ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म जैसे नाम बता रहा है ऐसे सेंस ऐसे प्लेटफॉर्म्स जिसपे जो ग्राउंड से जुड़े हुए होते हैं ठीक है और जो उन उन प्लेटफॉर्म्स से हम लोग सेंसर्स लगाते हैं उनको हम लोग ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म्स बोलते हैं और ये जो ग्राउंड पे हम लोग प्लेटफॉर्म्स माउंट करते हैं ये डिपेंड करता है कि, कि, कि कितना एरिया में कवर करना है ठीक हम लोग एक ट्राईपॉड लगा कर भी एक सेंसर उस पर माउंट कर सकते हैं तो वो भी एक ग्राउंड बेस्ड सेंसर होगा सेकेंडली हम लोग एक क्रेन यूज करके भी उसमें सेंसर लगा के एरिया का इफॉर्मेशन ले सकते हैं तो वो भी ग्राउंड ब्लेड सेंसर ग्राउंड बेस सेंसर होगा सो ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म जो ग्राउंड ऑब्जर्वेशन प्लेटफॉर्म्स होते हैं उसमें हैंड हेल्ड प्लेटफॉर्म यानी हाथ से पकड़ा हुआ प्लेटफॉर्म चेरी पिकर ठीक है टावर्स पोर्टेबल मास्ट व्हीकल्स इन सबको यूज़ करते हैं सो so, अगर एक छोटा एरिया हमें कवर करना है मान लीजिए छोटी सा ग्रास एरिया है छोटा सा छोटा सा बहुत ही छोटा एरिया कवर करना है तो हम लोग हाथ से पकड़ के प्लेटफॉर्म को यूज़ कर यूज़ कर सकते हैं सेंसर को यूज़ कर सकते हैं तो वो हमारा हैंड बेस्ड प्लेटफॉर्म होगा या ट्राइपॉड को यूज कर सकते हैं ट्राईपॉड में हम लोगों ने सेंसर लगा दिया और फिर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली एक पर्टिकुलर छोटे से एरिया की तो वो भी एक होगा ट्राईपॉड बेस्ड प्लेटफॉर्म नेक्स्ट इस चेरी पिकर प्लेटफॉर्म है बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म जो यूज किया जाता है ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म में वो एक चेरी पिकर प्लेटफॉर्म होता है चेरी पिकर मशीन आप लोगों ने बहुत ही अपने रोड्स पे देखी होंगी बहुत ही बहुत ही कॉमन व्हीकल्स होती है इसकी इसकी फोटो में भी आपको दिखाता हूँ सो so, ये जो थर्ड वाली इमेज आप देख रहे हैं ये आपने बहुत कॉमनली देखी होगी ये जो पोल्स और खंभों को रिपेयर करने वाली मशीन है इनको हम लोग चेरी पिकर प्लेटफॉर्म्स बोलते हैं तो चेरी पिकर प्लेटफॉर्म जो होते हैं ये पोर्टेबल होते हैं इनको आप आप उसमें ड्राइवर बैठा होता है कहीं पर भी ले जा सकता है और इनको अप्रॉक्सीमेटली पंद्रह मीटर तक ऊपर हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं पंद्रह मीटर की हाइट तक के ये प्लेटफॉर्म एक्सटेंड हो सकता है और वहाँ पे हम लोग सेंसर लगा सकते हैं इनको चेरी पिकर प्लेटफॉर्म्स को तो बहुत सारे लैबोरेटरीज यूज़ करती हैं रिफ़्लेक्टेंस को चेक करने के लिए और इनको वाइडली यूज किया जाता है पोर्टेबल मास्ट ये एक और टाइप ऑफ ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म है जिसका फ़ोटो आप देख रहे हैं ठीक है ये भी डिफरेंट फॉर्म्स और डिफरेंट uh, उसमें अवेलेबल uh, होता है डिफरेंट फॉर्म्स में और इसमें भी कैमरास को सपोर्ट करके सेंसर्स को सपोर्ट करके लगा करके हम लोग रिमोट uh, सेंसिंग कर सकते हैं ग्राउंड बेस्ड टेक्निक से नेक्स्ट जो हमारा है टावर्स एंड क्रेन्स टावर्स और क्रेन्स को हम लोग बेसिकली एटमॉस्फेरिक फिन को मॉनिटर करने के लिए यूज़ करते हैं या किसी एक पर्टिकुलर टेरेस्ट्रियल फीचर जो ग्राउंड बेस्ड फीचर है उसको अगर हमें मॉनिटर करना है और लंबे था समय तक मॉनिटरिंग करना है लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग के लिए हम लोग टावर्स और क्रेन्स को यूज़ करते हैं सो जैसे कि अगर ये हम लोग मान लें कि एक किसी साइट पर एक फॉरेस्ट एरिया पर हम लोगों को वहाँ की रिमोट सेंसिंग प्रोसेस करना है वहाँ पर इमेज लेनी है तो हम लोग ने अगर मान लीजिए बहुत लंबे लंबे पेड़ हैं तो ट्री का जो सबसे ऊपर पार्ट होता है उसको कैनोपी बोलते हैं सो so, कैनोपी के ऊपर कैनोपी से भी ऊपर तक के क्रेन या टावर हमने इस्टैब्लिश किया है और इस इस मैनर से उसको इस्टेब्लिश किया है कि उस उसी टावर या उसी क्रेन से हम लोग उस उस पूरे एरिया की उस पूरे फॉरेस्ट की या उस पूरी ट्री की सबसे नीचे वाली लेयर भी देख सकते हैं मिडिल वाली लेयर भी देख सकते हैं और ऊपर कैनोपी व्यू या बर्ड आई व्यू भी देख सकते हैं ठीक है ऐसे इसमें लिखा है मेजरमेंट्स कैन बी टेकन फ्रॉम द फॉरेस्ट फ्लोर थ्रू द कैनोपी एंड अब फ्रॉम अबव द कैनोपी ठीक सो क्योंकि ये काफी लंबे हो जाते हैं टावर्स और क्रेन्स बहुत लंबे प्लेटफॉर्म्स हो जाते हैं सो so इनसे एक वाइड एरिया या काफी बड़ा एरिया हम लोग का रिमोट सेंसिंग या डेटा कलेक्शन कर सकते हैं सो नेक्स्ट प्लेटफॉर्म या जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो बहुत ही कॉमनली यूज प्लेटफॉर्म्स हैं दैट आर एयर बेस्ड प्लेटफॉर्म्स सो बेसिकली एयर बेस्ड प्लेटफॉर्म्स जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है कि जो एयर में सस्पेंडेड रहते हैं ठीक है वो स्पेशली डिजाइन एयरक्राफ्ट या हॉट एयर बैलून्स या ड्रोन्स इन सब को यूज़ करके जब हम लोग उसमें सेंसर को माउंट करके इन सब प्लेटफॉर्म जैसे एयरक्राफ्ट है या ड्रोन है उसमें सेंसर को माउंट किया और फिर हम लोग ने एक पर्टिकुलर एरिया का डेटा एक्विजिशन किया डेटा कलेक्शन किया रिमोट सेंसिंग डेटा कलेक्शन किया तो वो हमारा एयर बेस्ड प्लेटफॉर्म हो जाता है एयर बेस्ड प्लेटफॉर्म को हम लोग सब ऑर्बिटल एयरबॉन्ड और एरियल रिमोट सेंसिंग सिस्टम भी बोलते हैं साथ ही साथ अगर ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म्स इनको कंपेयर करें तो इनका काफ़ी ज़्यादा स्कोप होता है काफ़ी ज़्यादा स्पेशल एरिया को ये कवर कर सकते हैं एक टाइम पे बिकॉज ये अब अब द ग्राउंड सरफेस है ऊपर कोई भी ऑबस्ट्रक्शन नहीं है ठीक ये आराम से ऊपर जो ड्रोन्स हैं या अगर एयरोप्लेन्स हैं तो आराम से स्मूथली एक बहुत सारे एरिया का ठीक है वो डेटा कलेक्शन कर सकते वहीं पर अगर उसकी जगह ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म होगा तो वो तो एक जगह माउंट है तो वो एक पर्टिकुलर एरिया का एक फिक्स्ड एरिया का डेटा कलेक्ट करेगा लेकिन बल्कि जो एयर बेस्ड प्लेटफॉर्म्स हैं काफ़ी सिनॉप्टिक व्यू दे सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होती है जो स्पीड एल्टीट्यूड और जो ओरिएंटेशन है एयरक्राफ्ट का वो बहुत ही केयरफुली चूज़ करना चाहिए जिसकी वजह से बिकॉज ये एयर में है ठीक है so सो ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छे से चूज करनी चाहिए बहुत ही केयरफुली चूज़ करनी चाहिए ताकि मिनिमम इन्फ्लुएंस हो स्केल पे रेजोल्यूशन पे और बाकी ज्योमेट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिकॉर्डेड इमेज बहुत ही प्रॉपर और प्रिसाइजली सिलेक्शन ऑफ़ स्पीड एल्टीट्यूड एंड ओरिएंटेशन ऑफ़ एयरक्राफ्ट मस्ट बी डन सो एयर प्लेटफॉर्म्स में बलूनस ड्रोन्स हाई एल्टीट्यूड साउंडिंग रॉकेट्स हेलीकॉप्टर्स हेलीकॉप्टर्स लेकिन बहुत कम यूज़ किया जाता है ज़्यादातर एरोप्लेन से एयरक्राफ्ट से यूज़ किए जाते हैं तो एयर एयरबेस्ड प्लेटफॉर्म पहला प्लेटफॉर्म है बलून जो बलून है इनको रिमोट सेंसिंग ऑब्जर्वेशन ज़्यादातर एयरल फोटोग्राफ़ी और रिमोट सेंसिंग ऑब्जर्वेशन में यूज़ किया जाता है जो बलून्स हैं ये कॉन्सटेंट हाइट ऑफ थर्टी किलोमीटर इन पे फ्लो करते हैं इन पे फ्लोट करते हैं एयर में जो बलून्स होते हैं इनके एक नीचे एक रिजिट सिस्टम होता है जिसके ऊपर एक सेंसर सिस्टम लगा होता है जिससे हम लोग रिमोट सेंसिंग या डेटा एक्वायर करते हैं जो बलूनस होते हैं ये विंड की डायरेक्शन में फ्लो करते हैं ठीक है जो है, है, बलून का मूवमेंट है टोटली totally विंड पे डिपेंड करता है सो so, बलून्स को आजकल हम लोग बहुत रेयरली यूज़ करते हैं बिकॉज जो कोर्स है जो रास्ता है बलून का वो बहुत ही प्रडिक्टेबल नहीं होता है उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते लेकिन हालाँकि अभी भी मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन के लिए बलूनस यूज़ किए जाते हैं कहीं कहीं पर ओके सो बलून जो है ये काफ़ी एक्सपेंसिव नहीं होते एयरक्राफ्ट्स काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं सो दे आर लेस एक्सपेंसिव ये काफ़ी शेप्स में आते हैं काफ़ी साइजेस में आते हैं और साथ ही साथ इनकी काफ़ी परफॉर्मेंस कैपेबिलिटीज़ भी होती हैं हर बलून एक ही तरह परफॉर्म नहीं करता है ठीक है बलूनस में लो एक्सेलरेशन होता है इनमें किसी भी पावर की जरूरत नहीं होती है ठीक है ये विंड के डायरेक्शन में चलते हैं सो इसमें ज़्यादा एनर्जी भी जरूरत नहीं पड़ती फ्यूल का भी फालतू खर्चा नहीं होता है बल्कि एयरक्राफ्ट में फ्यूल ही भरना होगा ओके सो बलून्स बेसिकली जो रिमोट सेंसिंग यूज़ करते हैं वो तीन टाइप के होते हैं फ्री बलून्स थर्ड बलूनस एंड पावर बलून्स आप अपने आंसर में लिख सकते हैं नेक्स्ट एयर बेस्ड प्लेटफॉर्म इज ड्रोन्स ड्रोन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है आजकल और बहुत ही मतलब इतना ज़्यादा बर्गी है कि हर जगह ड्रोन्स को इनकॉपरेट किया जा रहा है चाहे वो मैरिज फंक्शंस हो आजकल तो मैरिज फंक्शंस में ड्रोन फोटोग्राफी होती है चाहे वो uh, मतलब मूवी शूटिंग हो चाहे वो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस हो चाहे वो फूड डिलीवरी सिस्टम हो चाहे वो मेडिसिनल डिलीवरी सिस्टम हो चाहे वो रिमोट सेंसिंग हो हर जगह ड्रोन्स का एप्लीकेशन बढ़ता ही चला जा रहा है ठीक है तो बिकॉज इट इज अ लो कॉस्ट प्लेटफॉर्म लॉन्ग एंड्योरेंस मॉडरेट पे कैपेसिटी एंड ईज एंड कैपेबिलिटी ऑपरेट विदाउट रन और अ स्मॉल रन सो so, ड्रोन्स को क्यों हम लोग बढ़ावा इतना मिल रहा है बिकॉज इसमें ज़्यादा पैसा नहीं खर्च होता है इट इज़ लो कॉस्ट प्लेटफॉर्म ठीक है ज़्यादा टिकता है ठीक और जो इसमें पेलोड है लोड है वो भी ठीक ठाक कैरी कर सकता है ड्रोन्स भी बहुत सारे टाइप के होते हैं ठीक है काफ़ी ड्रोन्स तो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा लोड कैरी कर सकते हैं जैसे फर्टिलाइजर स्प्रे होते हैं ड्रोन से किए जाते हैं तो फर्टिलाइजर्स तक वो काफ़ी ज़्यादा फर्टिलाइजर अपने ऊपर कैरी कर सकते हैं और अनलाइक जो हमारे एयरक्राफ्ट्स होते हैं उनको एक रनवे की ज़रूरत पड़ती है और ड्रोन्स को ऐसे किसी रनवे की जरूरत नहीं पड़ती है और जो बड़े ड्रोन्स होते भी हैं तो उनको बहुत छोटा सा रनवे की ज़रूरत पड़ती है ओके okay, तो इन्हीं ड्रोन्स में हम लोग फोटोग्राफी के इक्विपमेंट्स या इंफ्रारेड के डिटेक्शन के इक्विपमेंट्स ऑब्जर्वेशन या टीवी सर्वेलेंस के इक्विपमेंट्स लगा देते हैं और फिर इनको रिमोट के थ्रू हम लोग रन करते हैं ऑपरेट करते हैं और ये जो ड्रोन्स होते हैं ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिंक्स को यूज करते हैं जैसे रिमोट कंट्रोल कार्स होती हैं रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर्स होते हैं वैसे ही ये एक मॉनिटर से अटैच्ड होते हैं मॉनिटर से रिमोटली कनेक्टेड होते हैं लिंक के द्वारा और ये उसी मॉनिटर से ऑपरेट किए जाते हैं या उसी कंसोल से ऑपरेट किए जाते हैं और जो उसमें वो जो सेंसर लगा होगा या उसमें फोटोग्राफ लगी होगी वो कंटिन्यूसली उस मोनीटर पर डिपेक्ट होती है दिखती है ओके okay. सो so, ड्रोन्स को पहली बार ब्रिटिश ब्रिटेन में इन्वेंट किया गया था वर्ल्ड वॉर टू के टाइम लेकिन आजकल जो मिलिट्री आजकल जो मिलिट्री चाहे छोड़ दीजिए हर जगह रिमोट सेंसिंग में भी हर जगह ड्रोन्स का काफ़ी एप्लीकेशन है सो नेक्स्ट एयरबेस्ड प्लेटफॉर्म एयरक्राफ्ट ठीक है सो एयरक्राफ्ट जो होते हैं प्राइमरीली ऐसे व्हीकल्स जिनमें विंग्स लगे होते हैं ठीक है हेलीकॉप्टर्स को मैंने पहले ही बताया हेलीकॉप्टर्स को बहुत ही कम यूज़ करते हैं लेकिन एयरक्राफ्ट्स को हम लोग एक बड़े डिटेल्ड इमेजेस डिटेल मतलब बहुत बड़े एरिया को कवर लेने के लिए उसके बारे में इनफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म्स में हम लोग सेंसर्स या कैमराज को इक्विप करते हैं ठीक है और बिकॉज वो एयर में काफ़ी ऊँचे उड़ रहे हैं तो उसमें टर्बुलेंस भी होगा एयर में उसकी वजह से वाइब्रेट करेंगे ठीक है और उसकी वजह से एरर्स आ सकती हैं या डेटा कलेक्शन में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं तो इस वजह से हम लोग वहाँ जहाँ पर भी इसको इक्विप करते हैं सेंसर्स या कैमरास को वहाँ पर हम लोग वाइब्रेशन लेस एरिया या वाइब्रेशन फ्री जोन बनाते हैं फिर वहाँ पर उनको हम लोग माउंट करते हैं सो so, ये एयरक्राफ्ट लो एल्टीट्यूड भी हो सकते हैं और हाई एल्टीट्यूड भी हो सकते हैं तो जो लो एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म्स होंगे वो एक लार्ज स्केल मैप प्रोवाइड करेगा एक बड़ा एरिया और मतलब ज़्यादा डिटेल्स उसमें दिखेंगी ठीक है बिकॉज वो नीचे से उड़ रहा है तो ज़्यादा डिटेल इंफॉमेशन होगी बल्कि जो हाई एल्टीट्यूड्स कॉल वैमराज होंगे या प्लेटफॉर्म्स होंगे या एयरक्राफ्ट्स होंगे व स्मॉल स्केल मैप्स को बनाने के लिए या स्मॉल स्केल एरिया स्मॉल स्केल इमेजर्स को ही बनाने के लिए यूज़ किए जाएंगे ओके okay. और उनका स्पेशल रेजोल्यूशन भी कम होगा रेजोल्यूशन क्या होता है और कितने टाइप्स के होते हैं इनको हम लोग अभी आगे वीडियोज में डिस्कस करेंगे जो एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म्स होते हैं काफ़ी इकोनॉमिकल मेथड होते हैं ठीक है बिकॉज स्मॉल से लार्ज एरिया अगर स्टडी करना है तो उसमें हम लोग कैमराज फिट कर देते हैं इमेजर्स लगा देते हैं सेंसर्स लगा रेडार्स इक्विप कर देते हैं माइक्रोवेव स्कैनर्स यूज इक्विप कर देते हैं तो उससे काफ़ी अच्छा और काफ़ी ज़्यादा एरिया का हम लोगों को डेटा uh, या एक्विजिशन हो जाता है सो so, जो एयरक्राफ्ट uh, होते हैं वो लो एल्टीट्यूड एयरक्राफ्ट होते हैं जो कि तीस हज़ार फीट के नीचे में काम करते हैं ठीक है और स्मॉलर एरियाज़ को कवर करते हैं सिमिलरली जो हाई एल्टीट्यूड एयरक्राफ्ट होते हैं जो जेट एयरक्राफ्ट होते हैं ठीक है ये काफ़ी ऊपर तीस हज़ार फीट के भी ऊपर काम करते हैं और बड़े एरिया पे कवर करते हैं बट जितना बड़ा एरिया होगा उतनी स्केल स्मॉल होगी सो हाई अल्टीट्यूड एयरक्राफ्ट जो है स्मॉल स्केल मैप्स प्रोवाइड करते हैं और लो अल्टीट्यूड स्पेस जो है लार्ज स्केल मैप्स को प्रोवाइड कर सकते हैं सो नेक्स्ट रॉकेट्स एज अ प्लेटफॉर्म ओके सो रॉकेट्स को हम लोग पहले यूज़ ज़्यादा करते थे एज अ प्लेटफॉर्म बट जब से ड्रोन्स और एयर आ गए तो इनका यूज़ हम लोग ने काफी कम कर दिया है लेकिन कहीं कहीं जगह पर इनको यूज़ करना ज़्यादा फिजिबल होता है बिकॉज जो बलून्स होते हैं वो 37 किलोमीटर तक की हाइट अचीव कर सकते हैं और जो सैटेलाइट होती है वो 120 किलोमीटर के नीचे से एटमॉस्फेयर में बिल्कुल भी ऑर्बिट नहीं कर सकती रिवॉल्व नहीं कर सकती सो so इस वजह से हम लोगों को जो हाई एल्टीट्यूड साउंडिंग रॉकेट्स होते हैं वो जो मॉडरेट एल्टीट्यूड होता है उसको कवर करने के लिए यूज़ किया जाता है रॉकेट्स ऐसे प्लेटफॉर्म से हम लोग फाइव लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर कर सकते हैं पर फ्रेम ठीक है सो मॉडरेट सनऑप्टिक व्यू ये प्रोवाइड करते हैं एयरप्लेन से पहले हम लोग ज़्यादातर मैंने बताया कि प्लेटफॉर्म्स के लिए हम लोग इन्हीं के ऊपर मतलब रॉकेट्स के ऊपर ही जो सेंसर था या कैमरा था उसको लगा करके तब हम लोग एरियर एर फोटोग्राफी करते थे सो so, बेसिकली काम कैसे करता है जो हाई एल्टीट्यूड साउंडिंग रॉकेट्स होते हैं ये एक मोबाइल लॉन्चर जो जहाँ से लौक, रॉकेट लॉन्च होता है वहाँ से लॉन्च किया जाता है और फिर रास्ते में जो एक स्टेबल एटीट्यूड आ जाता है अचीव हो जाता है तो फिर वहाँ से ये स्कैनिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है स्कैनिंग का वर्क होता है उसी रॉकेट से और जब ये सेंसिंग का काम हो जाता है तो जितना भी जिसमें जो लोड होता है जिसमें सेंसर या कैमरा लगा होता है उसको वापस भेजा जाता है ग्राउंड पे बाय अ पैराशूट ताकि जो डेटा उसने कलेक्ट किया है हम लोग उस, उस जिसमें कलेक्ट किया है सेंसर में या फिर कैमरा में उसको हम लोग रिकवर कर सकें उस टाइम रिमोट सिग्नल मोनिटर्स होते नहीं जैसे ड्रोन्स में आजकल होता है ड्रोन अगर उड़ भी जाए तब भी हमारे पास उसका डेटा है ठीक है सो so उस टाइम हम लोग को जो पेलोड था जिस पर सेंसर लगा होता था उसको वापस भी लाना होता था जिसको तो हम लोग पैराशूट से वापस लाते थे ओके सो नेक्स्ट और लास्ट टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म्स हैं डाटा स्पेस बॉन्ड प्लेटफॉर्म्स स्पेस बॉन्ड मतलब जो अंतरिक्ष में लगाए जाते हैं या स्पेस में आउटर स्पेस में लगाए जाते हैं सो अर्थ के एटमॉस्फेयर से भी ज़्यादा हाई एटीट्यूड पे अगर कोई प्लेटफॉर्म लगा है तो वो स्पेस बॉन्ड प्लेटफॉर्म होता है ठीक है जिसमें बेसिकली स्पेस शटल या ज्यादातर और जो अब यूज़ करते हैं वो हम लोग को सेटेलाइट यूज़ करते हैं स्पेस बॉन्ड प्लेटफॉर्म्स आर वन टाइम कॉस्ट इफेक्टेड मतलब एक बार आपने उनको सेट कर दिया तो काफी लंबे टाइम तक आपको एक पर्टिकुलर एरिया या जो अभी आप डेटा चाहते हैं वो डेटा आपको उससे मिलता रहेगा सो दैट इज़ वन टाइम इन्वेस्टमेंट टाइप ऑफ थिंग ठीक है सो स्पेस बॉन्ड इमेजिंग जो होती है वो ढाई किलोमीटर से थर्टी किलोमीटर तक भी वेरी कर सकती है ओके okay, तो हम लोग सटेलाइट जब पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ सेटेलाइट या टाइप्स ऑफ ऑर्बिट्स क्या होती हैं तो उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे हम लोग सैटेलाइट्स में सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में सेट करते हैं और कितनी कितनी हाइट पे सेट करते हैं ओके okay, तो सैटेलाइट बेसिकली होती क्या है सैटेलाइट्स आर द मैन मेड ऑब्जेक्ट मैन मेड हो सकती हैं या नेचुरल भी जैसे नेचुरल अर्थ की सैटेलाइट मून है लेकिन मैन मेड सैटेलाइट मतलब जो इंसान ने बनाई है और अर्थ के चारों ओर सैटेलाइट्स रिवॉल्व कर रही हैं अपने फिक्स्ड ऑर्बिट्स पे ठीक साथ है साथ ही साथ ये एक रेपिटेटिव कवरेज देती हैं ऐसे मैंने एडवांटेज ऑफ रिमोट सेंसिंग बताया था कि एक रेपिटेटिव कवरेज या रेपिटेटिव डेटा देता है जब पहली सैटेलाइट लॉन्च हुई थी नाइनटीन में जिसका नाम था लैंड तब से अब तक सैटेलाइट बेस्ड रिमोट सेंसिंग ने इतना ज़्यादा साइंस uh, और टेक्नोलॉजी में हेल्प किया इतना ज़्यादा बेटरमेंट किया है कि क्या हम लोग तो नहीं बता सकते सो कंटिन्यूसली ये टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई है और आज भी देखते हैं कि जितना भी जी पी एस सैटेलाइट सिस्टम जी आई एस सब कुछ ये सैटेलाइट पर बेस्ड है सो सैटेलाइट प्लेटफॉर्म दो टाइप के हो सकते हैं मैन सैटेलाइट प्लेटफॉर्म जहाँ पर हम लोग इंसान को या ह्यूमन को उसमें भेजते हैं क्र्यू होता है उसमें फिर वहाँ से रिमोट सेंसिंग का प्रोसेस किया जाता है इसमें हम लोग स्पेस शटल्स स्पेस क्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जैसे अपोलो था ठीक है उसमें जो लोग गए थे उनके द्वारा किया गया रिमोट सेंसिंग का प्रोसेस ठीक है उसको हम लोग मैन सेटेलाइट प्लेटफॉर्म्स बोलते हैं एंड सेकेंड हमारा प्लेटफॉर्म है दैट इज़ अनमैन सेटेलाइट प्लेटफॉर्म्स जिसमें कोई भी इंसान नहीं होता उसको हम लोग रिमोटली कंट्रोल करते हैं जैसे स्पॉट सीरीज़ है आई सीरीज़ है नोवा सीरीज़ है या जितने भी जी और नेविगेशन के सैटेलाइट्स हैं इन ऑल आर दीज अनमैन सैटेलाइट्स सो सैटेलाइट विध रिमोट सेंसिंग के क्या एडवांटेजेस हैं पहला लार्ज एरिया कवरेज एक बड़े से एरिया को ही कवर करता है एक टाइम पे सेकंड फ्रीक्वेंट एंड रेपिटेटिव कवरेज ऑफ एन एरिया ऑफ इंटरेस्ट बार बार और जल्दी जल्दी किसी भी एरिया को कवर करता है ठीक है क्वाटिटेट मेजरमेंट ऑफ ग्राउंड फीचर यूजिंग एटोमेटिकली कैलिब्रेटेड सेंसर्स हम हमारे पास मैथमेटिकल डेटा क्वांटिटेटिव डेटा प्रोवाइड करता है ठीक है कि उसमें सेंसर जो लगाते हैं वो काफ़ी थर्मल रिमोट सेंसर्स या बहुत सारे रिमोट सेंसर टेक टाइप्स होते हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा साथ ही साथ ही एक सेमी ऑटोमेटेड कंप्यूटराइज प्रोसेसिंग एनालिसिस होती है मतलब जो डेटा हमको मिला है ठीक उसको प्रोसेसिस प्रोसेसिंग भी उसकी एनालिसिस भी, भी कंप्यूटर में की जा सकती है बहुत आसानी से बिकॉज डेटा डायरेक्टली कंप्यूटर में ट्रांसफर हो रहा है ओके सो एनालिसिस और इसका जो प्रोसेसिंग है वो ईजी हो जाती है साथ ही साथ इसका जो पर यूनिट का कॉस्ट है ठीक है पर यूनिट कवरेज का कॉस्ट है वो काफ़ी कम है ठीक है मतलब एक टाइम इंस्टॉलेशन कर दी जाती है सैटेलाइट उसमें पैसा लगता है लेकिन ये काफ़ी सालों तक इनको यूज़ किया जा सकता है इन इनसे डेटा एक्वायर किया जा सकता है और जो डेटा इनसे निकलता है सैटेलाइट डेटा जो होता है वो काफ़ी इंस्टीट्यूशंस ख़रीदते हैं ठीक है सो तो जितना भी सैटेलाइट में लगा है वो सारा रेवेन्यू उनसे कवरअप हो जाता है सो ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म्स में हम लोग ने पढ़ा कि जो क्रेन्स होती हैं या जो चेरी uh, वो uh, होते हैं चेरी पिकर्स होते हैं उनको यूज़ करते हैं सिमिलरली एयरबॉन प्लेटफॉर्म्स में एयरक्राफ्ट लो एल्टीट्यूड हाई एल्टीट्यूड साथ ही साथ ड्रोन्स को भी यूज़ करते हैं एंड जो हमारे स्पेस बॉर्न प्लेटफॉर्म्स होते हैं उसमें स्पेस शटल जो कि मैंड प्लेटफॉर्म्स होते हैं और अनमैंड प्लेटफॉर्म यानी कि जो हमारे सैटेलाइट्स uh, होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सैटेलाइट्स होते हैं जियो स्टेशनरी सनसन पोलर और पोलर सैटेलाइट्स उनको यूज़ करते हैं सो so, ये इसमें हम लोगों ने सारे तीनों टाइप के प्लेटफॉर्म्स को डिस्कस किया डिटेल में सबके एग्जांपल्स के साथ डिस्कस किया बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन में इसके बाद हम लोग सेंसर टाइप ऑफ सेंसर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस पूरे लेक्चर का अगर आपको पी चाहिए तो प्लीज आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में, में दे रखा है साथ ही साथ अगर आप अपने सोशल मीडिया से जुड़ना चाहते हो तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है वहाँ से आप मेरे सोशल मीडिया से जुड़ सकते हैं मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं वीडियो पसंद आया तो लाइक करेगा शेयर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद